कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे दलहन बाजार में, खास तौर से चने दाल के बारे में आज जानेंगे। चने में किस तरह से कारोबार इस हफ्ते बाजारों में देखा जा रहा है, क्या कीमतें बाजारों में चल रही हैं और किस तरह का कारोबार आप आने वाले समय में देख पाएंगे, विस्तार से बारे में बात करेंगे खबरों में आगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चने के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में राजस्थान चने की कीमतों में 25 रुपए तक की कमजोरी बाजारों में दर्ज करी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के चने के दाम फिलहाल के लिए स्थिर देखे जा रहे हैं। व्यापारी ये मान रहे हैं कि बाजारों में सीमित तेजियां मंदी बनी रहेगी, रेंज बाउंड दायरे पर कारोबार आने वाले समय में देखा जा सकता है और तेजी न आने की वजह यह है कि नेफेड की बिकवाली चने पर लगातार देखी जा रही है। और मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। और नेफेड निविदा के माध्यम से नीचे दाम पर चना बेच रही है और साथ ही चने की बुआई भी पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। यही वजह है कि दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से बाजारों में व्यापार कर रही हैं और चने में तेजी नहीं देखी जा रही है। इसके भाव के बारे में बात करते हैं तो 50 रुपए कमजोर होकर दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के दाम 5100 से लेकर 5150 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बाजारों में देखे जा रहे हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश लाइन के चने के दाम आप 5000 से लेकर 5050 रुपए के बीच प्रति क्विंटल में देखकर चल सकते हैं। तो चने में आपको आने वाले समय में हल्का फुल्का सुधार देखने को मिल सकता है अगर डिमांड बाजार में बनेगी तो ही, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी आने की संभावनाएं नहीं है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड फिलहाल के लिए फ्लैट दलहन बाजार में नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।